नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज हम लोग जानेंगे इस एनआरबी के बारे में, ये एक क्या चीज़ है, एनआरबी होता क्या है, तो इसका पूरा डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। इसके बीच में ये क्या है, बोल्ट अप किया हुआ है, तो सारा चीज़ मैं बताऊँगा आज इसको डिसमेंटल करके। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, और अगर चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो ये सारा बोल्ट मैं खोल लेता हूँ और आपको इसका अंदर क्या पार्ट है दिखाता हूँ। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए, मैंने अभी इसको पूरा डिसमेंटल कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या है, एक फ्लैप रहता है, रबर फ्लैप। ये रबर फ्लैप ही जो है पानी को क्या करता है, एक साइड से जाने देता है और एक साइड से आने नहीं देता रिटर्न। एनआरवी का मतलब ही है नॉन रिटर्निंग वाल्व, आपको जानना है, ठीक है। तो ये इसका फ्लैप है नए वाले का। देखिए, एक रबर का बीच में फ्लैप दिया हुआ है, यही फ्लैप जो है पानी को एक तरफ से जाने देता है, बट रिटर्न जब आने खोजता है पानी, उसको ये फ्लैप रोक देता है। और इसको सेट करने का तरीका है, इसके बॉडी में देखिए एक थोड़ा सा उठा हुआ जैसा दिख रहा है हल्का सा, उसी जगह में उसको आपको, ये जो जगह दिख रहा है आपको, ये देखिए पूरा सर्कल है लेकिन थोड़ा सा अप किया हुआ है, यू टाइप का। ये जो जॉइंट देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जॉइंट को उस जगह में रखना है आपको, कभी भी फ्लैप चेंज करते समय। देखिए, मैंने अभी सेट करके आपको दिखा रहा हूँ, उस जगह में रखना है। अगर दूसरे साइड में रख दिए इधर या इधर, तो फ्लैप आपका सही काम नहीं करेगा और वाटर लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, एनआरबी काम नहीं करेगा। तो वो जो जॉइंट देख रहे हैं आप, वो जॉइंट को कभी भी बॉडी का जो अप पोजिशन है, देखिए एक अप पोजिशन है, उसी में सेट करना आपको, ठीक है। ये रबर फ्लैप है, यही डैमेज होता है, इसको चेंज करना पड़ता है हर एक बार एनआरबी को रिपेयर करने के लिए। ये वाला फ्लैप जो आप देख रहे हैं, ये डैमेज हो गया था, लेकिन ये दूसरा ओल्ड मॉडल था, ये नया मॉडल है। तो ये रबर फ्लैप इसमें सेट नहीं होगा, ठीक है, ये नया मॉडल है अभी, तो इसका फ्लैप दूसरा है। लेकिन ये जब डैमेज होगा तो हम लोग को नया वाला खाली फ्लैप चेंज होगा, जो मैंने अभी सेट करके आप लोगों को दिखाया, ये वाला फ्लैप, ठीक है, मैंने अभी सेट करके दिखाया। देखिए, वो नीचे ना चल जाए बोल के मैंने अंदर में एक पैकिंग डाल दिया है, बाद में उसको मैं बैक साइड से निकाल दूंगा ये पैकिंग को। और मैंने उसको चेक कर लिया है, बॉडी का अप पोजिशन को, और फ्लैप को मैंने बैठा दिया। अब क्या है, फ्लैप पूरा सीधा है, अगर वो बीच में पैकिंग नहीं देता तो फ्लैप नीचे की ओर चल जाता, ठीक है। अब हम लोग को इसको बैठाना है, इसके दूसरे अपर पार्ट को, और बैठाने के बाद इसको फुल्ली टाइट करना है अच्छी तरह से। मैं इसको अभी बैठा देता हूँ इसको, ठीक है, ये मैं बैठा दिया अभी। इसका मैं सारा बोल्ट अभी टाइटनेस कर लेता हूँ। टाइटनेस करने के बाद क्या होगा, ये फ्लैप इस तरफ से, जो ऊपर आपको अभी होल दिख रहा है, इधर से पानी जाएगा, पानी या केमिकल, बट उसका ऑपोजिट साइड से रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं अभी सारा बोल्ट आपको टाइट करने के बाद दिखाता हूँ, ठीक है। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। अभी इसका नेक्स्ट वीडियो टाइप ऑफ एनआरबी के बारे में बताऊंगा, कितने टाइप के एनआरबी होते हैं। ये तो वर्टिकल टाइप है, ठीक है, वर्टिकल टाइप रबर फ्लैप है ये, ठीक है। तो इसको मैं सारा अच्छी तरह से टाइट कर लिया, और अब मैं इसका अंदर दिखाऊंगा, उसको निकाल के आपको, इसका पैकिंग जो मैंने डाला है, इस पैकिंग को मैं निकाल के उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है और किस डायरेक्शन से काम करेगा। ये भी जानना ज़रूरी है, एनआरबी को आपने अगर उल्टा लगा दिया तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, पंप को ही डैमेज कर देगा। तो एनआरबी को उल्टा नहीं लगाना है कभी भी, इसका डायरेक्शन को समझना है, और उसके बाद एनआरबी को सीधा लगाना है, क्योंकि ये नॉन रिटर्निंग वाल्व है, ठीक है। मैंने सारा बोल्ट देखिए टाइट कर दिया क्रॉस में। अब मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं आपको फ्लैप, अभी अंधेरा है अंदर में तो आपको दिखेगा नहीं क्लियर, बट इसका ऊपर एक एरो मार्क रहता है, उसको आप लोगों को ध्यान देना है। वो एरो मार्क का डायरेक्शन ही से केमिकल अंदर जाएगा, ठीक है। अगर रॉन्ग साइड से फिट कर दीजिए तो पक्का पंप का मैकेनिकल सील या ग्लैंड वगैरह डैमेज हो जाएगा। देखिए, ये डायरेक्शन से ही जाएगा, इधर से सेक्शन है और उस डायरेक्शन से ही होके जाएगा। मैं इसका एरो मार्क आपको दिखा देता हूँ, अभी वेट कीजिए। इस डायरेक्शन से घुसेगा केमिकल या वाटर और नेक्स्ट साइड से निकल जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन है और उधर से आउटलेट हो जाएगा। अगर मैंने इस तरफ से लगा दिया इसको तो वो जाएगा नहीं पानी, फिर पूरा पंप को डैमेज कर देगा वो। एनआरबी लगाने का भी तरीका है, ठीक है, डायरेक्शन चेक करके आपको लगाना है। उसका ऊपर एक एरो मार्क रहता है, और उसका जब आप फ्लैप को चेंज कीजिएगा, रबर फ्लैप को, तब भी चेक करना है। देखिए, मैं एरो मार्क दिखा देता हूँ, ये एरो मार्क है इसका, इसी डायरेक्शन से ही केमिकल या वाटर जाएगा और इस डायरेक्शन से नहीं जाएगा, ठीक है। इसको आपको सही तरीके से फिट करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इस एनआरबी के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया।
अगर फिर भी आप लोगों को कुछ जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट्स कर बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे आप लोगों को अच्छा अच्छा टेक्निकल ज्ञान मिलते रहेगा। और मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।